मांबे स्टूडियो प्रेजेंस रामा समाव जो कलयुग वो अरिज करूं अजमाल रा हेलो सावल जो जो और देखो रामदेव जी महाराज का एक बड़ा ही सुंदर भजन जिन समय अजमाल जी के घरे भगवान नहीं पधारिया रामदेव जी महाराज नहीं पधारिया उस समय अजमाल जी बड़ा दुखी रहता और बात भी सही है। देखो परिवार में अगर संतान नहीं वे औलाद नहीं वे तो अणियों मोटो कोई दुख नहीं है। परिवार है और परिवार में कोई संतान नहीं है कोई औलाद नहीं है तो अणियों मोटो कोई दुख नहीं है। जिन समय रामदेव जी महाराज को जन्म नहीं हुआ उन समय अजमाल जी बड़ा दुखी क्योंकि जटे जाता जटे लोग पांजिया के था। एक दिन की बात है अजमाल जी जी घर बाहर निकलिया और सावन महीना को समय हो किसान खेत में बीज बोवा के लिए निकलिया और वे किसान रास्ता में आया अजमाल जी ने देख न पाचा फिर दिया पाचे घर जावे लगा। किसान अजमाल जी ने देख न घर जावा लगा तो अजमाल जी पूछो कि किसाना कई बात में की थे मने देख न पाछा क्यों घूमया पाछा क्यों फिरिया। तो उन समय वे किसान के वाला का अजमाल जी मारी बात सुनो थे बांजिया हो और बांजिया रो मुंडो देख न अगर खेत में बीज बोवा के लिए जाओ तो वो वा फसल मारे कोई काम नहीं आवेला। तो बिल्कुल वह बात अजमाल जी के काल जे कठार लाग जावे और किन प्रकार की बात बने वो जी तेरी तेरी बिरखा बाया थे पाछा कैया जावो गेरी गेरी बिरखा बाया थे पाछा कैया जावो हमारे साची साची बात बताओ जियो घड़ी घड़ी हमारे हमारे अजी माया रूड़ी चेरा राजा है तो सावरो जियो वारी वारी रे रामी ने बोलिया अजमल के अवतार की अजमाल जी ने सामने किसान मिले वे किसान अजमाल जी ने देख पाछा घरे फिरे अजमाल जी केवड़े लगा किसाना कहीं भी हो तो किसान केवड़े लगा थे तो अजमल जी पीरा पांजिया कही जो थे तो अजमल जी पीरा हर बाजिया कहीं जो वो थोड़ा सुकन खराब करा हो जियो सुकन खराब करा हो जियो गणी गणी खबर खबर अच्छी मारा मारी करो बात है लो सांपड़ो we
किसान केवड़ लगा थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो और थारा सुकन खराब गणा होवे और बांजिया रो मुंडो देखने मा खेत में बीज बोवा के लिए जावा तो वह फसल मारे कोई काम नहीं आवेला। अजमल जी या बात सुनी और कालजे कटार जो लागी अजमल जी पाछा घरे फिरिया आख्या मुंह धड़ धड़ आंसू पड़े। घर जाते ही अजमल जी की पत्नी मीना देव पूछने लगी, पति देव मेरा दे पूछे बातड़ी पिया काई होया उदास चांद सो मुखड़ो हो क्यों भाई अंधेरी रात। हे पतिदेव आप रो चेहरो मुरझाए हो क्यों है, कई बात देखिए। अजमल जी केवल लगा मैं आज गांव में गयो मारे सामने किसान मिलिया और किसान मने यू कहो अजमल जी थे मारे सामने मिलिया मैं खेत में बीज बोवा के लिए नहीं जावा क्योंकि थे बांजिया हो और बांजिया रो मुंडो देखने मा खेत में फसल बोवा के लिए जावा तो वह फसल मारे कोई काम नहीं आवेगा। अजमल जी बड़ा दुखी हो गया। अजमल जी मन में विचार कियो मैं द्वारकाधीश के मंदिर से जाता जाता 12 वर्ष हो गया है भगवान मने फल नहीं दियो मारा परिवार में कोई औलाद नहीं कोई संतान नहीं। अजमल जी गया मंदिर में और मंदिर में जाकर के पुजारी ने कहो हे पुजारी पुजारी बता दे कथे द्वारिका रो नाथ है तो दर्शन करवाने आयो जीवो दर्शन करवाने आयो जीवो कड़ी कड़ी खम्बारे हमारे अजमारा रूड़ी चेरा राजा है तो सावड़ो जीवो भारी भारी रे रामा वीर ने अजमल जी पहुंचिया मंदिर में पुजारी ने गयो पुजारी बता कठे द्वारिकारो नाथ में दर्शन करवायो। अजमल जी पूरा क्रोधित हो गया अजमल जी की आंखें लाल हो गई। पुजारी जी यूं कहो अजमल जी अगर आपने भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये राम सरोवर इनमें कूद पड़ो भगवान की प्राप्ति हो जावेला क्योंकि पीपो जी ने भगवान इन सरोवर में मिलिया। अब अजमल जी तो भगवान के दर्शन का भूखा हा जुई पुजारी कहो क्या आप इन समुद्र में इन राम सरोवर में कूद पड़ो भगवान का दर्शन हो जाए। अजमल जी के हाथ में लाडू आयो के पुजारी बताओ पहला थे बताओ कि भगवान कटे है तो भगवान के लाडू ना परोस रखा है लाडू परोस रखा है तो भगवान जीम्बा ने पधारेला बताओ भगवान कटे। अजमल जी हाथ में लाडू लियो और एक लाडू भगवान की मूर्ति के मार दियो। उन समय पुजारी जी कहो जाओ अगर आपने भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये राम सरोवर है इनमें कूद पड़ो पीपो जी ने दर्शन होया तो आपने भी दर्शन हो जावेला। तो उन समय अजमल जी उन राम सरोवर में कूद पड़िया और सरोवर में कूदते ही भगवान का दर्शन होया। बोलिए अजमल के अवतार की बोलिए द्वारकाधीश भगवान की द्वारकाधीश भगवान दर्शन दिया। उन समय भगवान के माथा पे गाव और गाव ने देखने अजमल जी केवा लगा कि हे भगवान हे परमेश्वर द्वारिका रा नाथ था सु अर्जी गुजारो हे द्वारिका रा नाथ था सु अर्जी गुजारो उठारे माथे ऊपर पत्ती कैया बांधी दियो माथे ऊपर पत्ती कैया बांधी दियो गणी गणी हमारे हमारे अति मालरा रूणी चेरा राजा है तो सांपड़ो दियो मारी मारी रे रामा मीरे।
द्वारकाधीश के माथा पे गाव देखियो, अजमाल जी केवण लगा प्रभु आपरे माथे यो गाव दिशो, द्वारका रा नाथ थासो अरज गुजारू थारा माथे ऊपर पट्टी कहिया बांधी। उन समय अजमाल जी की बात सुनते भगवान केवण लगा, अजमाल जी या माथा पे तो गाव आप जरा कोई भोला भाला भगत वेला लाडूडारी मारी वेला तो यो गाव हो गयो। उन समय अजमाल जी केवण लगा, हे भगवान हे प्रभु, मैं तो मारा बाप जी उन मूर्ति के मारी, मैं तो मारा बाप जी उन मूर्ति के मारी, वो गलती करी मत सावो जीवो, गलती ने माफ कराओ जीवो, गड़ी गड़ी खम्बारे तमारी अजी माल दुखी क्यों हो, अत्र रुदन क्यों करो, आपरी आंखिया में आंसू पड़े। अजमाल जी केवण लगा, हे प्रभु मने आपके द्वार पे आवता कई समय बीत गयो और गांव का मन बांझियो केवे, हे भगवान बांझियो तो केवे मारो मुखड़ो नी देखे, बांझियो तो केवे मारो देखे, वो मैं तो एरा कई काम कमाया जियो, एरा कई काम कमाया जियो, गणी गणी खम्बारे हमारे अजी मालरा बात है, चिंता कर लिया आप घबराओ मत। भगवान कहीं केवण लगा कि भादरवारी बीज ने जद छंदो करे प्रकाश, राम देव बनिया सो अजमाल जी राखियो विश्वास, बादुड़ारी पूजने में आमला आंगनियो, बादुड़ारी पूजने में आमला आंगनियो, आये पालनिया में झूलो जीवो, आये पालनिया में झूलो गणी गणी खम्बारे तमारी अजी मालरा, रूड़ी चेरा राजा है लो सांभळो जीवो, वारी वारी रे पीरीने। Shout!